नमस्कार, आप दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबर पर। सीबीआई दफ्तर के मालखाने में मिली शीना बोरा की हड्डियां एवं अवशेषों, अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में खोला राज। 2012 में हुई थी शीना बोरा की हत्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया में कहा, भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध दिया है। इसका अर्थ है उसने हमेशा शांति एवं समृद्धि दी है और देश 21वीं सदी में अपनी भूमिका मजबूत करेगा। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का जवाब, दोबारा नहीं होगी नीट परीक्षा। 23 लाख छात्रों पर फिर से नई परीक्षा का बोझ नहीं डाला जा सकता है, परीक्षा पर आज फैसला होगा। सपा नेता अखिलेश यादव का दावा, अयोध्या में बाहरी लोगों को बेची गई जमीन, अरबों रुपए का हुआ घोटाला। उन्होंने इन भूमि सौदों की गहन जांच और समीक्षा की मांग की। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले में शामिल आतंकवादियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। एक ट्रक चालक और 50 अन्य लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। इस हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद सौगत रॉय को फोन पर मिली जान से मारने की धमकी। कहा, अगर पार्टी के नेता गिरफ्तार जयंत सिंह को जल्द नहीं रिहा किया गया तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के 12 जिलों में 633 गांव बाढ़ से प्रभावित। पिछले 24 घंटों में वज्रपात समेत वर्षा जनित हादसों में 19 लोगों की मौत हो गई। सीएम योगी ने बाढ़ग्रस्त दौरों की कमान संभाल रही पीलीभीत एडीएम ऋतु पूनिया की तबीयत बिगड़ी। हेलीपैड पर हुई बेहोश, डॉक्टरों ने दिया आराम करने की सलाह। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो ने रूस और चीन के बीच गहराते संबंधों तथा बीजिंग की बढ़ती आक्रामकता पर बुधवार को चिंता जाहिर की। भारत ने तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 23 रनों से हराया। 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे 150 T20 मुकाबले जीतने वाला पहला देश बना। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें अब दुनिया पर।